नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपके सामने मौजूद है जहां पर आपको बताएंगे पहली और बड़ी अपडेट में करनाल के जिस एसडीएम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सपोर्ट कर रहे थे और सरकार ऐसा लग रहा था कि एसडीएम को हटाना अपनी हार के जैसे देख रही है, जिसके बाद किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए दोस्तों लगातार 5 दिनों से धरना दिया है और आखिरकार खट्टर सरकार को झुकना पड़ा है। आपको बताएंगे किस तरह से एसडीएम पर कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर किसानों का आश्वासन दिया गया। इसी के साथ में दोस्तों और भी किसानों की मांगे मानी गई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब बिहार में भी किसानों का आंदोलन पहुंचने जा रहा है, राकेश टिकैत करने जा रहे हैं बड़ी तैयारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे गुजरात के अंदर किसानों के बढ़ते आंदोलन और महंगाई के बीच में अपने किले को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, एक एक करके सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारत के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन को दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें देश भर के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन और मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरह से बड़ी महासभा हुई थी, उसके बाद से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को समझ में आ चुका है कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में भी जबरदस्त गिरावट आई है। इस बीच आपको बता दें कि अपने गृह राज्य गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी से कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद से देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि अचानक से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया। रूपाणी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि इसका क्या कारण है, तो रूपाणी कुछ बता नहीं पाए। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के अंदर और कर्नाटका के अंदर भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार एक के बाद एक दिन गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर हमेशा से रूपाणी पर सवाल खड़े किए गए थे और अब ये जानकारी आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में है, इस तरह के भी आंकड़े सामने आए हैं। इसी के साथ में और भी कई चीजें हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने यह फैसला लिया है। इस बीच विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल दोस्तों अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2017 के विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी थी और भाजपा पहली बार 22 साल में 100 से नीचे के आंकड़े पर आ गई थी, जिसके बाद बीजेपी में जब मुख्यमंत्री के पद पर चयन होने वाला था, तब नितिन पटेल ने अपना विरोध जताते हुए कई दिनों तक अपना पदभार भी नहीं संभाला था। यानी कुल मिलाकर इस तरह से देखा जा सकता है कि गुजरात के अंदर और भी ज्यादा राजनीति तेज हो जाएगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अपने गृह राज्य के अंदर सभी मुख्यमंत्री मंत्रियों को एकजुट रखवाना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। इस बीच आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहां पर किसानों के सामने नहीं झुकने का प्रण ले चुकी खट्टर सरकार को आखिरकार किसानों ने झुका दिया। आपको बता दें कि तकरीबन 5 दिनों तक चलता रहा किसानों का आंदोलन, जिसके बाद मिनी सचिवालय के पास जारी धरने के बीच में किसान नेताओं और प्रशासन के बीच में आम सहमति बनने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ACS देवेंद्र सिंह ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर कमेटी बनाकर उस SDM के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच की जाएगी। और इसी के साथ में SDM को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया है ताकि वह जांच को प्रभावित ना कर पाए। कुल मिलाकर दोस्तों जिस SDM को बचाने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार एकजुट दिखाई दे रही थी, आखिरकार सरकार को किसानों के दबाव में आकर ये फैसला लेना पड़ा है। एक और जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी को लेकर बेहद ज्यादा गंभीर है प्रियंका गांधी। UP में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुख्य धारा में आने की तैयारी में, और इस दौरान पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ राज्य के अंदर एक बड़े दौरे पर निकलने वाले हैं। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह देखना चाहती है और इसीलिए कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए अध्यक्ष के साथ साथ 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर करनाल में मिली जीत के बाद हरियाणा सरकार के फैसले पर बोले राकेश टिकैत, कहा हमें उनका फैसला अच्छा लगा, संतुष्ट है। अब आंदोलन का रुख हमने एक बार फिर से मजबूती से दिल्ली की तरफ कर रखा है। और एक और अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाएगी, 20 सितंबर को इसका अनावरण किया जाएगा। समाजवादी पार्टी रायबरेली के ऊंचाहार में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाएगी, इसकी योजना भी पूरी तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। प्रतापगढ़ से बीजेपी को झटका, नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले धारियावद में स्थानीय स्तर पर सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। प्रतापगढ़ में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति रामकन्या गुर्जर समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, यानी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को यह तगड़ा झटका दिया है उपचुनाव से पहले। वहीं पर आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान जोरदार बारिश के बाद पूरे स्थान पर जल भराव देखने को मिला, जिसके बाद राकेश टिकैत वहीं पर बैठ गए और उन्होंने पानी में बैठकर धरना दिया है। दिल्ली NCR में हो रही लगातार बारिश के बाद टिकैत की ओर से यह विरोध जताया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि अब किसान नेता राकेश टिकैत बिहार के सीतामढ़ी जा रहे हैं।
हैं बिहार में आंदोलन का विस्तार करने के लिए उनकी ओर से तैयारी की जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से गुजरात में किसको अगला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए वापस गुजरात लौटेंगे, क्योंकि देश की जो हालात है जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के साथ साथ किसान मजदूर सभी परेशान है। देखते हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।